ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं स्वपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा याचना करता हूँ। पतित पावन शिल गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से भगवत तत्व को समझने के लिए जो प्रेरणात्मक जो उपदेश है, भगवत सेवा को प्राप्त करने के लिए जो प्रेरणात्मक उपदेश है, जो कि महाजनों के हृदय से प्रकाशित हुआ है, वही उपदेशामृत का हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उपदेशामृत के अंतर्गत हम लोग विभिन्न अंशों को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसी के अंतर्गत अभी विषय संग त्याग के ऊपर चल रहा है, जहाँ पर हम लोगों को ये बतलाया जा रहा है विशुद्ध वैष्णवों का संघ का प्रभाव क्या होता है। जो विशुद्ध वैष्णव होते हैं उनका संघ का प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में यहाँ हम लोग सुन रहे हैं। बोलते हैं जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कुसंस्कारों के साथ युक्त है, जैसे बोलते हैं अर्थपिपासा और उसके बाद कामनाएं, काम पिपासा, वासना, धर्म पिपासा, ये सारी जितनी भी प्यास है उसके अंदर, भोग का, मोक्ष का, व्यसन का, कई बार व्यक्ति व्यसन का भी पिपासी होके बैठा हुआ रहता है, तड़प जाता है। ये सारी जितने भी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सब अपनी चेष्टाओं के द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद जब निकलते नहीं हैं, तो उसे निकलने का एक सुगम उपाय बोलते हैं वैष्णवों के पावन सानिध्य में जाके बैठ जाना, भक्त संघ में बैठ जाना, उसी से व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज बतला रहे हैं अपने उपदेशों में। अब आप देखो रामानुजाचार्य जी का
कई घटनाएं जीवन में ऐसे उनके लीला में हुआ है। उसमें से एक उनके बड़ी ही निर्धनी शिष्या थी। निर्धनी शिष्या है, अभी उसका इच्छा था कि महाराज का सेवा करें, कहाँ से करेगी, धन नहीं। वो स्वयं को बेचा, अपने सतीत्व को बेचा उन्होंने एक गांव के धनी व्यक्ति के सामने, और उसी से जो धन प्राप्त हुआ, रामानुजाचार्य का सेवा किया। वो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से सही, एक विचार से देखे व्यतिरिक भाव से ही सही, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को महाजनों की सेवा में लगा दिया, और उसकी दयनीय स्थिति के ऊपर महत कृपा भी हो गया और उसका जीवन सुधर गया। उसका जीवन अंदर से काम निकालना नहीं चाहता था, वो अपने काम की पूर्ति के उद्देश्य से ही उसने वहां पर वो धन सेवा में दिया। लेकिन उसका वो तन का जो आर्जन है, हर व्यक्ति कोई भी क्रिया शरीर मन वाणी से करता है, शरीर के द्वारा आर्जित जो भी है उसका जो परिश्रम का फल ही वो धन है, और उसी को रामानुजाचार्य की सेवा में लगाया उसने। अपनी उसकी उद्देश्य तो उनका सेवा नहीं था, वासना का पूर्ति था, लेकिन भक्त कृपा ऐसा होता है, वो उसके संस्कारों का शोधन कर देता है। वही अगर किसी और जगह पे लगाता, विषय में लगाता, कहीं और भोग में लगाता, तो पति तो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, भक्तों के बीच में लगाया। जैसे ही भक्तों के बीच में लगाया, उसका प्रभाव से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। ये विशेषता, इसलिए बोलते भक्तों के बीच में जाने पर इसका तो फिर भी इच्छा था नहीं, इसका तो भोग की इच्छा है। मान लो कोई भी व्यक्ति अपने आप को शोधन करने का उद्देश्य से जब ये देखता है कि अरे मैं स्वयं अपनी चेष्टा से कर नहीं पा रहा, महत का कृपा से मैं इसको शोधन करूंगा, उसका जीवन किस लिए नहीं बदलेगा। एक वासनापूर्ण व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है, वो भी साक्षात संग से नहीं, वो तो परोक्ष रूप से संग किया, तो भी उसका जीवन में परिवर्तन आ गया। ये है कृपा। और एक हुआ रूप का लालच था उसके अंदर, वो इतना ज्यादा अपने स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित था कि उसको कुछ भी दिखता नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी कृपा हो गया। महत कृपा ऐसा होता है, यद्यपि हमारी विशेष चेष्टा ना होने के बाद भी अगर हमारे किसी दोष से ही सही अगर उनका कृपा हम पे हो जाता है, हम उनका दृष्टि हम पे पड़ जाता है, तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से सुधर जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसके अंदर इच्छा है उसका जीवन क्यों नहीं शोधन होगा, क्यों नहीं बदलेगा। वो तो चाहता है कि नहीं, मुझे ये सारे अवगुण है मेरे अंदर, इनको मैंने छोड़ना है और मैंने भगवत प्राप्ति की ओर जाना है। जब ऐसी इच्छा जिसके अंदर होता है, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। बोलते हैं उनके प्रभाव से जितने भी उसके अंदर के अवगुण है सब चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं पूरी तरह से। ये विशेषता है महत कृपा का। हमें कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, इच्छा करने की जरूरत है। प्रबल इच्छा उसका परिणाम आगे उन वो लोग प्रदान कर देते हैं। बाकी और साधन में क्या है,
हमें स्वयं के ऊपर संयम रखने की जरूरत पड़ता है, खुद को निग्रह करने की जरूरत है, इसमें जरूरत नहीं है। इसलिए बोला ना चौगाव भक्त संगे कर संकीर्तन, इसमें सिर्फ अपने आप को नियुक्त करने की बात होता है। संसार से निकालकर हमें गुरु वैष्णव के पाद पद्म में डालने की जरूरत होता है। इसीलिए बोलते हैं कई बार तुम गुरुजी के होकर के पड़े रहना, इसके अर्थ लोग गलत ले लेते हैं कि हम बिल्डिंग में रहने से हमारा उद्धार हो जाता है, वास्तविकता में गलत है। अक्सर लोग बोलते हैं तुम गुरुजी का होके पड़े रहो, बस उसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। गुरुजी का होके पड़े रहना मतलब है कि गुरुदेव के विचार और आचारों को लेकर के पड़े रहना, उनकी शिक्षा को लेकर पड़े रहना, सिर्फ स्थान में पड़े रहना नहीं। परमाराध्य गुरु महाराज जी के मुखारविंद से ही सुना था कि ईंट पत्थर दीवार मठ नहीं होते। गुरु महाराज जी से 2007 में जब मिला था, उसी समय हम लोगों ने व्यवहार करते जो पराई जो से व्यवहार करते तो मन में एक आया, ऐसा नहीं है कि वो लोग द्वेष करते, उनकी अपनी दृष्टि से निष्ठा है, वो उनकी दृष्टि से वो निष्ठा है जो वो लोग कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है अभी। लेकिन मुझे तो खटक सा था कि अरे हम तो इस तरह से विमुख वाला भाव आ रहा है, तो नहीं होता है। मठ तो जहाँ आदर्श है, मठ तो जहाँ पर आचरण है, मठ तो जहाँ पर व्यक्तित्व है, स्थान का तो महत्व होता नहीं, कोई कहीं पे भी रहे, क्योंकि बात स्थानांतरण को ही लेकर के हो रहा था। तब हम मुंबई में थे और श्री चैतन्य गौड़िया मठ के मैनेजमेंट के अंडर में थे। बाद में जो है गुरुजी के अंडर में शिष्य सब समय रहता है, ये बात गुरुजी ने स्वयं ही कहा है। लेकिन बाह्य दृष्टि से संस्था का नाम बदला, मैनेजमेंट बदला, तो जब गुरुजी के पास गया था तब गुरुजी इस बात के ऊपर जोर दे करके बोला था, गुरुजी ने ये बात बोले थे कुछ। वास्तविकता में होता ये है कि उनका आदर्श, गुरुजी कथा में भी कई बार इस बात को उच्च स्वर में बोलते थे, गौरार अमी मुखे बोले नहीं चले, मैं गुरुजी का हूँ ऐसे बोल, मुख से बोलने से क्या होता, गुरुजी का कृपा है, गुरुजी ने ऐसे किया। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब गुरुजी मिसिंग होते हैं तो वही सबसे बड़ा डिजास्टर है। थियोरिटिकली या वर्बली कितना होते हैं वो दैट इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में गुरु महाराज जी का प्रेजेंस कितना होता है दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मुख से बोलते हैं गुरुजी करके, लेकिन लाइफ में आचरण में जो है गुरुजी है ही नहीं। वहाँ आता है तो अपना भोग, अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपना डंडोरा, अपना वो, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी योग्यता, यूजलेस लाइफ है, मीनिंगलेस लाइफ है। ऐसा पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे, तब मैंने सुना तुम्हारे, बोलते एक पिता को दो पुत्रों ने पत्र लिखा, एक ने उठाया मेरे पिताजी का पत्र है करके गले लगा लिया, रो रो के उसको भिगा दिया, उससे कंटेंट भी गायब हो गया उसमें से, उसने पढ़ा भी नहीं उसको। महाराज जी तो ये भगवद गीता के लिए बोलते थे, जब भगवद गीता के बारे में बोलना होता था तब महाराज जी ये बात बोलते थे, वो क्या करे, कंटेंट भी गायब हो गया, वो कागज रो रो के उसको भिगो दिया, बाकी उठा के मंदिर में रखा, रोज प्रणाम करता है। बोलते दूसरा जो पुत्र होता है वो क्या करता है, उस पत्र को उठा के फाड़ा, उसके अंदर का कंटेंट क्या है फाड़ा, चुपचाप वो काम किया और उसको उठा के किनारे लगा दिया। महाराज बोलते कौन श्रेष्ठ पुत्र है,
देखने में लग रहा है उसके पिताजी का हस्तलेख है, उस पर हाथ से लिखा है, और उसको उसने फाट फूट के एक साइड में लगा दिया, उसने तो काम करा, उसके बाद छुट्टी कर दिया उसको, दूसरे उठा के गले लगा लगा के कर रहा है। महाराज जी ने कभी भी वो गले लगा के आरती करने वाला जो पुत्र है उसको कभी भी गुरुत्व नहीं दिया। जिसने उसकी कंटेंट को पढ़कर उसको अप्लाई किया, बोलते हैं उसी का हमेशा वो किया है। कहने का तात्पर्य, महाजनों के चरणों में पड़े रहना, गुरुदेव के श्री चरणों में पड़े रहना, मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग में पड़े रहना। उनके आदर्श, उनकी शिक्षा को लेकर आचरण करते हुए उनके चरणों में पड़े रहना। फेल हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। लाइफ ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति पास हो जाएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स जो है लाइफ का, जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि आई एम परफेक्ट। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, परफेक्ट तो सिर्फ गुरुदेव है, बाकी सारे परफेक्ट नहीं कह सकते अपने आप को। वो परफेक्शन के रास्ते पे चल रहे, दे आर ऑन द पाथ ऑफ परफेक्शन। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो कई बार व्यक्ति पतित भी हो सकता है। इसीलिए बोला भूमो स्वकलित पादा नाम भूमि रे, मान लो उसका सहारा लेके उठने का कोशिश भी कर सकता। गिर गया मतलब वो दोषी है, ऐसा नहीं है। कोई भी पतित हो सकता है, क्या भरोसा है मरने से पहले हमारा पतन नहीं होगा, इसका पतन नहीं होगा, उसका नहीं होगा, किसी का भी हो सकता। बात यहां पर आइडियल्स का है, आदर्शों का है, कि आदमी कितना उसको अपने में लेके चलता है। ऐसा गुरुजी जो बोलते हैं हरि नाम करो ना, गुरुजी ने बोला चाय पी सकते हो, ये हाफ चिकन लॉजिक है। क्यों बोलेंगे? पहली बात तो गुरुजी जैसे ऐसे महान प्रतिष्ठित आचार्य, लेकिन तब भी उसके बाद जब हम ये क्लेम करते हैं कि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ, वो सबसे ज़्यादा एक डिससेटिस्फाइंग स्टेटमेंट है। यू डोंट डिजर्व टू बी हिज डिसाइपल व्हेन यू आर डिफेमिंग हिम। पहली बात तो ऐसी असंभव है गुरु महाराज जी ऐसी स्टेटमेंट दें, असंभव है। कोई मर गया, मान लो कि प्राण सूख गया, वो तो मर ही रहा है, तो बेचारा वो मर ना जाए उसके लिए हो सकता है कि चल भाई तू बच जा, कभी कभी थोड़ा एक आध ले लियो करके, होता है ना कई बार, मान लेते हैं। तो भी उसको एज ए बोनाफाइड स्टेटमेंट और उसको इस प्रकार से एक्सक्यूज बना करके जो लोग वो करके चलते हैं, वो वास्तविकता में गुरुजी के चरणों में नहीं है। वो लोग गुरुजी के चरणों में है ही नहीं, ये बात है। गुरुजी के चरणों में कौन है? उन्होंने जो शुद्ध भक्ति को लेकर, अब जैसे कई लोग आके बोलते हैं कि नहीं शराब पिए बिना रह नहीं सकते, मर रहे हैं, प्राण सूखता जा रहा है, मर ही जाएंगे, तकलीफ हो जाएगा। मान लो कि किसी संत ने उसको कह दिया कि भैया चार पीता है तो दो कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बोला कि तू दो ग्लास पी ले। ये हमारी विजन के ऊपर होता है किस तरीका से देखते हैं। वो दर्शन उनके श्रीचरणों में समर्पित होने पे आता है, नहीं है तो वो दूसरे हिस्से को लेगा। आदमी हरिनाम नहीं कर एक व्यक्ति है, परम भक्त जीव है, वो उससे हरिनाम हो ही नहीं रहा, देखा कि ये तो ऐसे होने से तो पतित हो जाएगा, इसलिए बोला कम से कम चार माला कर लो। उसको अगर हम बोनाफाइड स्टेटमेंट बनाकर कि गुरुजी ने बोला चार माला करना है और वो चार ही करेगा, पांचवा करने को अपराध समझेगा, तो वो किस तरह से गुरुजी का शिष्य? कोई भी साधु का, किसी भी साधु का, हम गुरुजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जनरली कोई भी महात्मा है,
साधु संघ की यहां पर बात हो रहा है, विशुद्ध वैष्णवों का संघ की बात हो रहा है, उनका बात मानना, उनके चरण में पड़ रहना, सारे अवगुण हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके चरणों में आके पड़े रहो, ऐसा गुरुजी ने तो मुझको भी बोला था कि तुम गुरुजी के होकर के रहोगे, अपने आप ही गुरुजी देखेंगे कि क्या करना है। ये डायरेक्टली बोला गुरुजी ने ये बात। इसका मतलब जो है गुरुजी का हूँ टैग लगाकर, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना करूँ तो किस लिए मेरा मंगल होगा? नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। मैं गुरुजी का हूँ मतलब इसका क्या है, इसका क्या प्रमाण क्या है? कोई भी अगर क्लेम करता है कि मैं गुरुजी का हूँ, उसका क्या प्रमाण है? बैनर प्रमाण नहीं होता, बैनर जो होता है वो कभी प्रमाण नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद अगर भाग्य से भगवत प्राप्ति हुआ है, कभी भी गोलोक में ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो, क्यों पूछेगा वहाँ पर? जब ऑर्गेनाइजेशन का बात जहाँ पे आता है, अगर वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है विचारों के दृष्टि से है, तो वो इनफाइनाइट है, बृहद है। लेकिन अगर वही स्थूल विचार को लेके चलते हैं तो वो डेफिनेटली वो संकीर्ण है। जहां पर संकीर्णता है, जिस साधन में संकीर्णता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान के पाद पद्मों में नहीं पहुंच सकता। हम लोगों को ये हर तरह के बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए जाना है। डिवोशन मतलब है कि वहां बाउंड्री नहीं होता, प्रेम मतलब है कि वहां पर बाउंड्री नहीं होता। मैं जब मठ में आया था, मैं तो इस्कॉन से आया था, तो मैं थोड़ा सा इतना फेवरेबल स्टेटमेंट दे नहीं रहा था, क्योंकि मुझे तो अपने आप को डिफेंड करना है। मैं थोड़ा बोलूँगा कि मैं अनफिट था, मैं तो बोलूँ वहाँ के एनवायरनमेंट मेरे लिए सूटेबल नहीं था। गुरु महाराज जी की तरफ से संदेश आता है तो मैं कभी भी इस्कॉन को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। इस्कॉन मतलब क्या है? गुरुजी बोलते स्वामी महाराज जी इस्कॉन है। चैतन्य गौड़िया मठ मतलब परम गुरुजी है, चैतन्य गौड़िया मठ मतलब गुरुजी है, जैसे इस्कॉन मतलब स्वामी महाराज जी है। संस्था इज नॉट अबाउट दीवार। अब तीर्थाश्रम मतलब बिल्डिंग दीवार है, ये बिल्डिंग तीर्थाश्रम थोड़ा है। तीर्थाश्रम मतलब वो है जो गुरुजी ने जो प्रकट किया, जिन आइडियल्स को प्रकट किया, जिन ऑब्जेक्टिव्स को प्रकट किया, वो तीर्थाश्रम है। जो लोग उसको फॉलो करते हैं, उस स्टैंडर्ड्स को, वो लोग दे आर पार्ट ऑफ तीर्थाश्रम। इसीलिए जब रजिस्ट्रेशन के अंदर भी वो उसमें आता है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स के द्वारा जो सेट किए गए जो रूल रेगुलेशंस हैं उसको वायलेट करता है, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्डिंग की बात हो रहा है, वो स्टैंडर्ड्स की बात हो रहा है। सो इफ आई एम ए डिसाइपल, मुझे उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। ऐसे गुरु महाराज जी इस बात को बोलते हैं, साधुओं के पाद पद्म में जाके पड़े रहना मतलब है साधुओं की शिक्षा को, उनके आचरण को अपने लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश करना, क्योंकि परमपद जी वे कामुक हैं, इसीलिए गिर सकता है। उसके बाद अर्थ के पिपासी हैं, उसको दुनिया के अर्थ चाहिए, इसलिए गिर सकता है। मोक्ष के वांछुक है तो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्त्री संग की लालसा है, गिर सकता है। शराब पीना, सिगरेट पीना और व्यसनों का भी आदत है, गिर सकता है। बट उसका कोशिश है कि मैं गुरुपाद पद्म में पड़ा रहूं, साधुओं के चरणों में पड़ा रहूं। उस समय क्या होता है, उसके अंदर एक धिक्कार का भाव आता है अपने कर्मों के प्रति कि हाय मैं कहां पर बैठ के क्या,
आत्मग्लानी आता है। जब तक आदमी का अपने अंदर से एक हे भाव नहीं आता, अपने कर्मों के लिए अपने अंदर से घृणा का भाव नहीं आता, उसको कोई सुधार नहीं सकता। महाजन कृपा करके उसको प्रेरणा देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं, वो शिक्षा देते हैं। जब ये लेने का कोशिश करेगा, उसके प्रभाव से उसके जीवन के अंदर अपने ही कर्मों के प्रति धिक्कार का भाव आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं व्हाट आई एम डूइंग, कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं। तब जाके उसका जीवन में सुधार आता है, तब जाके सुधार आता है। परम पूज्य पाशल भक्त विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी अपने लिए हमेशा बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो एक हृदय में ग्रंथियां था, अभी परम गुरु महाराज जी इनका कीर्तन था किसी के घर में, जो तेल बिक्री करते हैं उनके घर में उनका प्रोग्राम था, अब महाराज जी जो ऐसे जगह पे जाके तो प्रसाद भोजन ग्रहण करेंगे नहीं, क्योंकि महाराज जी का वो उस समय 50-60 साल पहले ये नियम और भी बहुत कट्टर रूप हुआ करते थे, वो तो खाएंगे नहीं कहीं पे जाके। महाराज जी ने बोल दिया हमारा पेट ठीक नहीं। परम गुरु महाराज जी उनके कमरे के बाहर से गुजरते हुए बोल रहे हैं, कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणी पति लागी करीलो वेश्यार सेवन। परम गुरु जी ने तो उनको बोला नहीं कि तुम चलो हमारे साथ, उनका उपदेश है, उन्होंने इंकित किया, इशारा किया, सीधा महाराज जी जाके कीर्तन में पहुंच गया वहां उन लोगों के साथ। बात ये होता है, महापुरुषों का बातों को हम लोग श्रवण करते रहेंगे, उसका पालन करने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर की जितनी भी वृत्तियां हैं वो अपने आप बदल जाते हैं। उसके बाद तो पूज्य महाराज श्री ने कभी ऐसी चीज़ों को ले, यहाँ तक कि चरणामृत भी नहीं लेते थे, क्योंकि उनके घर का नौकर जो है वो वहाँ पर बैठ के चरणामृत बांटता था कि उसके हाथ से कैसे लेंगे। सेवा करते थे साधुओं का, लेकिन चरणामृत भी नहीं लेते थे। ये भी एक तरह का ग्रंथि है, लेकिन महाराज जी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, भगवान के विशेष कृपा पात्र है, महापुरुष है, उनके जन है, इसलिए उनका एक अलग तरह का लीला है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्तर में कुछ ना कुछ उसका व्यसंग रहता है, लेकिन महत के चरणों में रहने से वो अपने आप शोधित हो जाता है, वही उसका वैशिष्ट है, उसके साथ रहने पे वो शोधित हो जाता है, सुधर जाता है। अंदर कोई तमोगुण में बद्ध है तो इसीलिए उसकी क्रियाएं तमोगुणी क्रिया है, तमाम अधार्मिक क्रियाएं, जुआ खेलता है, मांस खाता है, दुनिया भर का गंध करता है, लेकिन महापुरुषों के साथ में रह के उनके होने का जब कोशिश करता है वो सारे व्यसन उसके छूट जाते हैं। लेकिन ईंट पत्थर दीवारों के बीच में रहकर वो सोचता है कि मैं महापुरुषों के साथ में हूँ, तो उसका जीवन कभी भी नहीं सुधरता है। उसका यहाँ रहना, उसका बाहर रहना, दोनों एक ही बात है। क्यों परमाराध्य शिला जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा, हरिकथा से विहीन मठवास जो है केवल कर्म का, क्योंकि हरिकथा के माध्यम से ही भगवान के तत्व पता चलता है, वैष्णव तत्व पता चलता है, सेवा तत्व पता चलता है, नाम तत्व पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। जब एक व्यक्ति हरि कथा में बैठेगा उसको ये सारी चीजें पता चलते हैं, और साधुओं के बीच में रह के, क्योंकि साधु सिर्फ मुख से बोलते नहीं है, ये सारी बातों का अपने लाइफ में आचरण भी करते हैं, इसीलिए ऐसे आचरणशील महात्माओं के बीच में बैठकर हरिकथा को श्रवण करेगा
तो ही उसका भक्ति उदय होगा उसके अंदर, अन्यथा कभी भी भक्ति उसमें प्रकाशित हो नहीं सकता। इसीलिए बोला वो कर्म का अंग है। कर्म से क्या होता है? पुण्य मिलता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है। साधु संग में रह के भी व्यक्ति स्वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाता है, भोग तक ही सीमित होकर के रह जाता है, क्योंकि वो संग में रहा ही नहीं। ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि हरिकथा के विहीन मठवास भी कर्म का अंग है। हरिकथा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर मठवासी के जीवन में। हरिकीर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही हरिकथा में सब समय रहना, वही साधुओं के श्री चरणों में पड़े रहने की बात है। उसी से हमारे सारे कुसंस्कार जितने भी हैं वो सब धुल के किनारे लग जाते हैं कि चल बाहर। नहीं तो एक भी व्यसंग जो है व्यक्ति का, वो सात्विक ही क्यों ना हो, वो भी बंधन का ही कारण होता है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण का है इसीलिए उसके अंदर ये दोष नहीं आएगा। सात्विक भाव ही क्यों ना हो तब भी वो व्यक्ति के जीवन में बंधन का ही काम करेगा, वही दुख का ही प्रकार का साधन है वो। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत लोगों को ऐसे वैष्णवों के वो बोलते हैं उनके साथ में रहने पर, उनकी सेवा में रहने पर लोगों का जीवन बदलते देखा गया है। अभी आप देखिए हरिदास ठाकुर के सामने आकर के वो लक्ष्य हीरा आके बैठी हुई है उनका चरित्र को कलंकित करने के लिए बैठी हुई है। अभी उसका उद्देश्य गलत है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उनसे कहा कि देखो मेरा संख्या रह गया है, मैं अपनी संख्या पूर्वक नाम का सेवा पूरा करने के बाद तुम्हारा मनोभीष्ट को पूर्ण करूँगा। ऐसा नहीं है कि तुम भागो यहाँ से, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। मैं अपना संख्या पूर्वक जो नाम सेवा है उसको मैं पूरा करूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा इच्छा को पूर्ण करूँगा। ठीक है, अब वो सामने बैठी हुई है तुलसी जी के सामने, हरिदास ठाकुर के सामने बैठकर हरिदास ठाकुर को देख रही है और क्या कर रहे हैं देख रही है, मतलब है कानों से नाम को भी सुन रही है। उसने वहां पर मन में जो भी मलिनता है लेकिन वो श्रवण करना आरंभ किया, वहां पर श्रवण करना आरंभ किया। करते 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 3 दिन व्यतीत होने के बाद वो स्वयं महंत बन गई है। 3 दिन व्यतीत हुआ है, 3रे दिन समाप्त होने के साथ हरिदास ठाकुर के पाद पद्म में आके गिरकर अपने द्वारा किए गए उस दूषित विचार को लेकर, अपने निकृष्ट कर्मों को लेकर क्षमायाचना करते उनके चरणों में गिरकर, और हरिदास ठाकुर का कृपा होने पर वो महंत बन के बैठी हुई है वहां पर। कैसे हो गया है? वो सिर्फ बैठी, ठीक है मैं 3 दिन बाद आता हूँ, सुबह आता हूँ, कुछ नहीं किया, वही सामने ही बैठ गए उनके सामने। ठीक है, बैठकर उनको देख रही है, उनको सुन रही है। श्रवण करना वो वास्तविकता में उनके चरणों में पड़े रहना है। 3 दिन बोलते 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 सुनते 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 उनके मुख से भी भगवान का नाम निकल गया, आखिर उनका जीवन सुधर गया। परीक्षित महाराज के अंदर भी व्यसंग था, कुरु राज होने का, कुरु परिवार का जो राजा होने का, चक्रवर्ती होने का अभिमान भी था एक तरह का,
कि अरे मैंने तो कुरुओं के वंश में जन्म ग्रहण करके ये क्या अनर्थ किया, मैं तो अपने वंश को कलंकित किया, मेरा उद्धार कैसे होगा, मंगल कैसे होगा। सुखदेव गोस्वामी चरणों में पड़े रहे थे। कैसे पड़ रहे? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम बैठ करके यहां से हरिकथा श्रवण करते रहो। बैठ के वो ही काम किया, श्रवण करने मात्र से परीक्षित का उद्धार हो गया। उनके चरणों में रहकर जो बात वो बोल रहे, श्रवण करना मतलब श्रवण करना। माता उत्तरा भी बैठी हुई है, परीक्षित आनंद में है, उत्तरा दुखी है, ये सोचकर 7 दिन में तो मेरा पुत्र का जीवन समाप्त हो जाएगा, आज 6 दिन रह गया, 5 दिन रह गया, 4 दिन रह गया, वो बैठी है पूरा समय में। और सुखदेव गोस्वामी कथा भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तरा का चिंता समाप्त नहीं हुआ। जब सुखदेव गोस्वामी ने उपदेश दे के वहाँ से प्रस्थान किया, उसके बाद उत्तरा परीक्षित के पास आके कहती कि पुत्र क्या सुना था तुमने, थोड़ा सा मुझको भी सुना दो। और बोलते हैं गुरुजी ने कहा आपने तो सुना सामने, बोलते मैं सुन नहीं पाए। तब परीक्षित महाराज ने गुरुमुख से जो श्रवण किया उसका वहाँ पर कीर्तन भी किया थोड़ा सा, और वो सुनकर उत्तरा के मन में तब जाके शांति मिला। और परीक्षित महाराज अब सबको छोड़कर मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं, तक्षक को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ, तो इतना हिम्मत कहाँ से आ गया? अब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सुखदेव जी के चरणों में पड़े रहे हैं, वहाँ पर जाके बैठ गए। वो है वैष्णवों के पाद पद्म में बैठे रहना, मतलब असुर बालकों का असुर प्रवृत्ति बदल गया, क्योंकि वो प्रहलाद के पास जाकर के बैठ गए हैं। मतलब प्रहलाद जो बोल रहा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना आरंभ कर दिया लोगों ने, इसीलिए कीर्तन करना शुरू कर दिया, वहाँ पे श्रवण करना शुरू कर दिया, मनन करना शुरू कर दिया। तब जाके ये सारी चीज़ें सुधरते हैं। हम में 1000 अवगुण हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे बचने का एक जो मार्ग है, जो शास्त्रों ने हमारे आगे रखा, वो है महाजन गत सहेन पंथा। महाजनों के द्वारा चला हुआ जो पंथ, जो मार्ग दिखलाया गया, जो मार्ग है उसके ऊपर चलने का कोशिश करो, अपने आप किनारा लग जाओगे। यहाँ पर ये बात बता, पूर्व में बताएं ये सारे दोषों के बारे में बताएं, उनको छोड़ना है, और यहाँ पर बता रहे हैं महाजनों का अनगत से ही अपने आप सब चला जाएगा, वो रहेगा नहीं अंदर, उस वो अलग से रहेगा नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ता उनको हटाने का, कुछ जरूरत नहीं, वो अपने आप चला जाएगा। क्यों? क्योंकि महाजनों का कृपा ही ऐसा होता है। जहाँ पर बोलते हैं ना गुरु महाराज जी अक्सर, जहाँ काम ता नहीं राम, रवि रजनी नहीं रहे एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। इसीलिए जहाँ पर भक्त है वहाँ पर अवगुण हो ही नहीं सकता। भक्त जहाँ पर है, बोलते हैं जितने भी गुण हैं वो सब भक्तों के पास रहता है। बोलते हैं हराव भक्त से कुतो मात गुण, जो भगवान का भक्ति नहीं उसमें महान गुण कहाँ से हो सकता है? कोई भी महान गुण नहीं होता। उसके विपरीत में जो शुद्ध भक्त होता है, जो वैष्णव होते हैं, तमाम गुण उनके पास ही होते हैं। जो उनके पास में जाएगा उसके कल्याण के लिए जिन जिन गुणों को प्रकाशित करने की जरूरत है, वो गुण वैष्णव प्रकाशित करके उसका शोधन करते हैं। वो कभी भी नहीं था मैं महान हूँ आ जाओ, जैसे गुरु महाराज जी ने कभी ऐसी आचरण किया ही नहीं, मैं तुम पे कृपा करने आया हूँ, तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, आ जाओ करके कब बोला गुरु जी? लेकिन जो उनके चरणों में गया उन लोगों का मंगल ही हुआ, उनका उद्धार ही हुआ, क्योंकि निष्कपट होकर के जो उनके चरणों में आश्रय लेने का कोशिश किया, गुरु जी ने उन लोगों को ऐसे पकड़ के बाहर निकाल दिया।
महाजन ऐसे होते हैं, जो हो उनका शिक्षा को लेना वास्तविकता में, उनके आचरण और उनकी शिक्षा को लेने को उनका संग कहते हैं। उसी का प्रभाव से अपना जीवन में सुधार आता है। दूसरे और कोई चेष्टा से हमारा जीवन में सुधार नहीं आ सकता। और दूसरा, हमें अगर नहीं समझ में आता किसी कारण से उनकी शिक्षा, तो हमें श्रेष्ठ के पास जाकर उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी ने आचरण करके दिखाया, जब श्रील भक्तिर्दय वन गोस्वामी महाराज जी ने अपनी हरिकथा में बोला कि हम तो बहुत समय से आया भजन कर रहे हैं लेकिन कोई लाभ तो हुआ नहीं, तब गुरु महाराज जी को यह जब स्टेटमेंट नहीं समझ में आया कि वन गोस्वामी महाराज जी ने ऐसे बोला, तो गुरु जी परम पूज्य पाद श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु जी के पास जाकर उनसे इस बात को समझने का कोशिश किया। महापुरुषों की वाणी अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हमें या उन्हीं के पास या किसी श्रेष्ठ के पास जाकर उसको समझने का चेष्टा करना चाहिए। अर्थ का अनर्थ निकालने पर कभी भी भक्ति नहीं हो सकता, कभी भी जीवन में सुधार नहीं आ सकता। सुधार तब आएगा जब हम लोग निष्कपट चेष्टा के साथ थोड़ा सा भी उनके चरणों में अनुरागी होकर उनके द्वारा प्रदत्त उपदेशों को अपने जीवन में आचरण में लाने का कोशिश करते हैं, तो सुनिश्चित रूप से हमारा जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि सुधारने का काम भगवान का है, सुधारने का काम गुरुदेव का है। साधक का सिर्फ इतना है सारे अवगुणों का बोझ को लेकर उन तक पहुंच जाना और सब कुछ खोल देना उनके सामने कि मेरे में, जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास जाके छिपाएगा रोग को तो ठीक नहीं, साधु के पास जा करके भी कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के मलिनता को, अपने अंदर के अवगुणों को छिपा लेगा वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ हमें उनके चरणों में जाकर अपने आप को दिगंबर कर लेना चाहिए, निर्वस्त्र कर लेना चाहिए कि जितने भी हमारे अंदर के अवगुण हैं वो सब सामने रख देना चाहिए और जो वो कहते हैं उसको अपने जीवन में आचरण करने का कोशिश करनी चाहिए, सारे अपने आप चला जाएगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।